हेलो एवरी वन वेलकम टू लाइफ कॉलेज एजुकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे पी जी टी पोलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीज क्वेश्चन आर ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अदर एग्जामिनेशंस तो हम देखते हैं अपना सेट फाइव का पहला क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन है पोलिटिकल सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन्स इन एनी सोसाइटी थ्रू विच वाइंडिंग और अथॉरिटेटिव अलोकेशंस आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड आप इसमें एक लाइन को ध्यान से पढ़िए इसमें लिखा है बाइंडिंग और अथॉरिटेटिव एलोकेशंस आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड तो ये जो पूरी की पूरी लाइन है ये लाइन ली गई है डेविड ईस्टन जो कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे कैनेडियन बॉर्न अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये बेसिकली फोकस करते थे वैल्यूज के अथॉरिटेटिव एलोकेशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्होंने पॉलिटिकल साइंस की अलग अलग डेफिनेशंस दी और इनकी एक फेमस डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन जो कि पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में है वो ये है जो आपने देखी तो हमारा राइट right आंसर हो गया डेविड ईस्टन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नॉट एन इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन ऑफ बिहेवियरिज्म अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टर्न देखिए बिहेवियरिज्म या फिर बिहेवियर ये जो कॉन्सेप्ट है ये डेविड ईस्टन ने दिया था और इसके एट इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन हैं उन आठ में क्या क्या है उनको मैं पढ़ देता हूँ देखिए रेगुलरिटीज उसमें है वेरीफ़िकेशन उसमें है टेक्निक्स भी उसमें है पावर उसमें नहीं है तो ये तो हो गया हमारा राइट आंसर पावर एक इंटेलेक्चुअल फ़ाउंडेशन स्टोन का पार्ट नहीं है इसलिए ये रॉन्ग है और यही पूछा गया था विच इज़ नॉट तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी लेकिन ये तो हो गए तीन रेगुलरटीज वेरीफिकेशन टेक्निक्स इन तीन के अलावा पांच और हैं क्वांटिफिकेशन, वैल्यूज सिस्टमेटाइजेशन सिस्टमेटाइजेशन के बाद आता है प्योर साइंस एंड इंटीग्रेशन तो ये पांच और हैं इनको भी आप लोग याद रखें किसी कॉपी में नोट कर लें इन आठ टेक्निक में से कई बार एग्जाम में तीन टेक्निक दे दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है कि वन इज और वन इज नॉट तो आप लोगों को अगर आठों की आठ टेक्निक पता होंगी तो आप निश्चित रूप से सही आंसर कर पाएंगे अब यहाँ पर जिन लोगों को ये नहीं पता कि बिहेवियरिज्म क्या होता है देखिए बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट यू में ओरिजिनेट हुआ था नाइनटीन में और ये कॉन्सेप्ट एक ऑब्जेक्टिव और क्वांटिफाइड अप्रोच के बारे में बात करता है टू एक्सप्लेन पॉलिटिकल बिहेवियर मोटे तौर पे अगर सिंपल भाषा में कहें तो पॉलिटिकल बिहेवियर को एक ऑब्जेक्टिव और क्वांटिफाइड अप्रोच के तरीके से समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं बिहेवियरिज्म देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस देखिए पॉलिटिकल साइंस की दो अप्रोच हैं एक ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी मॉडर्न या फिर उसी को कहा जाता है साइंटिफिक अप्रोच अब इसमें आप देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच स्पेकुलेटिव है एंड नॉर्मेटिव है इसमें स्पेकुलेशंस की बात जाना हुई है दूसरी तरफ जो मॉडर्न अप्रोच है वो एम्पेरिकल है और साइंटिफिक है तो जाना अच्छी अप्रोच कौन सा है देखिए यहाँ पर हमें कंपैरिजन नहीं करना है मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच के बीच में यहाँ पर हमें ये बताना है कि ट्रेडिशनल अप्रोच का जो ये चार करेक्टरस्टिक दे रखे हैं इनमें से ट्रेडिशनल अप्रोच का कौन सा करेक्टरिस्टिक है पहला ऑप्शन पढ़ते हैं द वैल्यू फ्री स्टडी वैल्यू फ्री स्टडी नहीं था ट्रेडिशनल अप्रोच वैल्यू बेस्ड अप्रोच पर बेसिस थी वैल्यू बेस्ड अप्रोच होती है इसमें यह कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी है दैट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स बट इट शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑल्सो तो जब हम बात करते हैं कि सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस की स्टडी वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए तो यहाँ पर वैल्यू फ्री स्टडी लिखा है तो ये आंसर तो रॉन्ग हो गया इंस्टीट्यूशनल स्टडी इंस्टीट्यूशनल स्टडी एक राइट right आंसर है ट्रेडिशनल अप्रोच का बाकी के दो ऑप्शन भी हम देख लेते हैं एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक मेथोडोलॉजी मैंने बताया कि जो मॉडर्न अप्रोच है उसको साइंटिफिक अप्रोच भी कहते हैं इसमें हम साइंटिफिक मैथडोलॉजी को फॉलो करते हैं कंपरेटिव स्टडी ट्रेडिशनल अप्रोच में भी होती थी और मॉडर्न अप्रोच में भी होती है पर अब कंपेरेटिव स्टडी पर जो ज़्यादा फोकस दिया गया वो मॉडर्न अप्रोच में दिया गया इसलिए डी को हम राइट right आंसर नहीं कह सकते हमारा राइट right आंसर होगा इंस्टीट्यूशनल स्टडी द फेमस बुक टाइटल्ड ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स वॉज ऑथर्ड बाय देखिए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स से काफ़ी अच्छी बुक है आप भी इस बुक को पढ़ सकते हैं इस बुक को लिखा था हेराल्ड जे लास्की साहब ने हेराल्ड जे लास्की ब्रिटिश लेबर पार्टी के चेयरमैन रहे हैं 1945 से लेकर के 1946 तक तो आप इन्हें एक ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह सकते हैं और इन्होंने बुक लिखी थी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स आप लोग कमेंट करके ये बताइए हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ पोलिटिकल साइंस बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आप लोग आंसर जरूर दें नेक्स्ट क्वेश्चन हु सेड स्टेट इज इंडिविजुअल्स रिट लार्ज देखिए बहुत अच्छी बात बोली गई थी कि जो स्टेट है वो इंडिविजुअल का एक मैग्नीफाइड वर्जन है मैग्नीफाइड वर्जन का मतलब जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो चीज़ें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं ऐसे ही ये कहा गया कि जो स्टेट है एक राज्य है वो एक इंडिविजुअल का मैग्नीफाइड वर्जन होगा यानी कि आप एक स्टेट की कल्पना बिना इंडिविजुअल के नहीं कर सकते और ये किसने कहा था ये कहा था प्लेटो ने प्लेटो को आप जानते हैं ग्रीक फलॉसफर थे प्लेटो के अलावा सोकरीज जिन्हें सुकरात कहा जाता है अरिस्टोटल ये तीनों महान ग्रीक फिलोसफर रहे हैं और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इन तीनों फिलोसफर्स के बीच में एक टीचर स्टूडेंट का बड़ा ही अनोखा रिलेशन है शुक्र जो थे वो इनफॉर्मल टीचर थे प्लेटो के और प्लेटो ने एक एकेडमी खोली थी प्लेटोज एकेडमी प्लेटो, प्लेटो एकेडमी में फॉर्मल टीचर रहे हैं अरिस्टोटल और अरेस्टोटल ने भी एक फिलोसफर और जो किंग भी थे उनको पढ़ाया द किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट तो अरेस्टोटल भी एक टीचर रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के तो आप लोग इस ऑर्डर को याद रखिए सोकरटीज वॉज द टीचर ऑफ प्लेटो एंड ही वॉज द टीचर ऑफ अरिस्टोटल एंड देन कम अलेक्जेंडर द ग्रेट आप स्पाइस टर्म इस को याद रख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जॉन एस मिल्स आइडिया ऑफ लिबर्टी बाज देखिए जे एस मिल का जो आइडिया ऑफ लिबर्टी था ये पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव था नेगेटिव था या पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों था या फिर दोनों नहीं था तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जे एस मिल का आइडिया ऑफ लिबर्टी था क्या क्योंकि अगर हमें ये पता होगा कि जे एस मिल ने अपना आइडिया ऑफ लिबर्टी क्या दिया था तो हम ये आसानी से समझ पाएंगे कि पॉजिटिव आइडिया है या फिर नेगेटिव आइडिया है देखिए जे एस मिल का कहना ये था कि इंडिविजुअल के जो राइट्स होने चाहिए या इंडिविजुअल जो होना चाहिए उसको फ्री रखा जाना चाहिए उसकी इच्छाओं के हिसाब से जब तक कि वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता तो जे एस मिल कम्प्लीट फ्रीडम की बात करते हैं तब तक जब तक वो किसी दूसरे को हार्म नहीं कर रहा हो देखिए इस अप्रोच को कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी अब इसको नेगेटिव लिबर्टी क्यों कहा जाता है जब भी हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हम बात करते हैं कंप्लीट फ्रीडम हो तो वो नेगेटिव लिबर्टी होती है पॉजिटिव लिबर्टी वो होती है जब हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करते हैं तो आप लोग कमेंट करके ये भी बताएं कि इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरह की लिबर्टी पर जोर दिया पॉजिटिव लिबर्टी पर या फिर निगेटिव लिबर्टी पर द आइडिया दैट स्टेट ज टू हिंडर द हिंडरेंसेज बिलोंग्स टू सो दिस आइडिया बिलोंग्स टू टी एच ग्रीन यानी कि ऑप्शन ये हमारा राइट right आंसर हो जाएगा आप लोग टी एच ग्रीन जी के बारे में कमेंट करके बताएं ये कौन थे और किस कंट्री से थे देखिए जब आप किसी चीज पर विचार विमर्श करते हैं उसके बारे में सर्च करते हैं फिर आप कॉमेंट करते हैं तो आपकी लर्निंग काफी अच्छी हो जाती है और आपको याद भी लंबे समय तक रहता है आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी बिलोंग्स टू पॉपुलर सोवरेनिटी का आइडिया दिया था रूसो ने यह एक बहुत ही अच्छा आइडिया था पॉपुलर सोवरेनिटी को अगर हम सिंपल फॉर्म में कहें तो हम ये कह सकते हैं पीपल आर द रूलर्स रूलर्स कौन है जनता रूलर है जैसे कि अब्राहम लिंकन साहब डेमोक्रेसी के बारे में कहा करते थे गवर्नमेंट बाय द पीपल गवर्नमेंट फॉर द पीपल गवर्नमेंट ऑफ द पीपल ठीक इसी तरह से रोसों ने कॉन्सेप्ट दिया पॉपुलर सॉबर्नेटी का जिसमें कहा गया प्यूपल आर द रूलर्स अगर हम इसको एक्सप्लेन करने को कहा जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पॉपुलर सॉबर्निटी एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें स्टेट के पास जो अथॉरिटी होती है या गवर्नमेंट के पास जो अथॉरिटी होती है या फिर जो गवर्नमेंट क्रिएट की जाती है या गवर्नमेंट सस्टेंड रहती है यानी कि सरकार का बनना और सरकार का बने रहना ये जनता की इच्छा पर निर्भर करता है तो इसको कहा जाता था पॉपुलर सॉबर्निटी का आइडिया और दिया था रूसो ने हु सेड फैमिली इज द ओनली नेचुरल सोसाइटी अगेन आंसर इज सेम रूसो इज द राइट आंसर ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज नॉट एसोसिएटेड विद आइडियलिज्म देखिए आइडियलिज्म क्या होता है आइडियलिज्म का मतलब आइडियल होने के बारे में सोचना चीज़ें आइडियल नहीं हो सकती चीज़ें जनरली रियलिस्टिक होती हैं लेकिन आइडियलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक विश्वास देता है कि लाइफ में या फिर किसी सिचुएशन में परफेक्शन को अचीव किया जा सकता है हालांकि आप जानते हैं कि जैसे एडोलोसेंट होते हैं एडोलोसेंट ख्वाबों में खोए रहते हैं और वो परफेक्शन के बारे में सोचते हैं किसी को परफेक्ट गर्लफ्रेंड चाहिए किसी को परफेक्ट हस्बैंड वाइफ़ चाहिए किसी को परफेक्ट जॉब चाहिए और उनका परफेक्शन भी सेल्फ डिफाइन भी हो सकता है तो आइडियलिज्म के कॉन्सेप्ट से कौन एसोसिएटेड नहीं था ये थे लास्की लास्की जी के बारे में मैंने आपको बताया था भी तो ये था आज का हमारा वीडियो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथ में आप लोग सजेशन के तौर पर ये भी बताएं कि मैं पॉलिटिकल साइंस के और किन टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाऊँ क्या आप लोग ये चाहते हैं कि एलेवेंथ और ट्वेल्थ की जो एन है मैं कंप्लीट एन को कवर कराऊं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस पर फोकस करते हुए हालांकि जिन एग्ज़ाम्स में हुई पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं निश्चित रूप से वहां भी वो फ़ायदेमंद होगा लेकिन जब हम एक फ़िक्स टारगेट बना करके स्टडी करते हैं तो हम उस एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं या जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं हम उनके हिसाब से पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है तो चलता हूँ दोस्तों पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जय हिंद जय भारत